खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पर जसपुर स्थित मिलन बैंकेट हॉल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने बातचीत में बताया कि कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन बहुत जरूरी है और लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलने का अक्सर प्रयास करते रहते हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देनी है। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 7-8 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश की कायाकल्प हो गई है, लोकल में भी हम काम किया है और जगह जगह जाम की स्थिति बनी रहती थी, उसके लिए बाईपास बनाया गया, 800 करोड़, 3000 करोड़ और 4000 करोड़ के पैकेज केंद्र से लाया जा रहा है विकास के लिए और जसपुर के ये एक रेडियो स्टेशन की स्वीकृति भी मिल गई है। इस नाते से मैंने आज ये सम्मेलन किया है, कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है, किस तरह से हम आज आगे बढ़ रहे हैं, 7-8 सालों में कैसा कायाकल्प हो गया है देश का मोदी जी के नेतृत्व में, ये तो दुनिया जानती है, कार्यकर्ता और अच्छी तरह से जानते हैं। अब ऐसे जैसे हमने इतने काम यहाँ लोकल में किए हैं, कैसा जाम लगा रहता था, आप जैसे बाईपास चालू किया है हमने, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 800 करोड़ 3500 करोड़ 4000 करोड़ इस तरह का पैकेज हम केंद्र से ला रहे हैं हर जगह के लिए। अभी यहाँ एक रेडियो स्टेशन हम फुल प्लस, ऐसा नहीं कि वो कोई खाली रिले सेंटर हो, फुल प्लस स्टूडियो समेत यहाँ पर हम लोगों ने स्वीकृत कराया है, उसको भी चालू कराना चाह रहे हैं। पैसा पड़ा हुआ है, जगह में थोड़ी सी कहीं पर हो गई अभी बात थी, लेकिन अब जगह भी उसकी हो गई है तो उसकी भी शुरुआत कराएंगे।